आरएसडी एकेडमी में आरएसडी एकेडमी टीचर एडमिन पर विद्यार्थियों के लिए मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एसडीओ बीएसपी लोचन, महामंत्री डॉक्टर निशांत गोयल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार, वजी कुमार के द्वारा कार्यक्रम को संपन्न कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करना था, जिसमें सभी ने अपने अपने विचारों द्वारा प्रेरित किया और शपथ दिलाई कि मतदान करें और देश हित में अपना पूर्ण योगदान दें। भारत, मेरा नाम ऋतु नारंग है और मैं डिस्ट्रिक्ट आइकॉन हूँ स्वीप से। और इस बारी जैसे 2019 में भी ये दायित्व मिला था, इस बारी भी 2022 में भी ये दायित्व मिला है। बहुत ही उत्साह जो नज़र आ रहा है, जैसे मैं रोड में भी जाती हूँ, हर जगह मैं जाके बातें कर रही हूँ लोगों से, एक सब्जी वाले से, सो एक ठेले वाले से। एक 18 साल के युवा ने बड़ी सुंदर बात कही, उसने कहा मैं मैम वोट नहीं, मैं सरकार बनाऊँगा। जो ये जोश है आज के नए युवा में और यहाँ एक पढ़े लिखे में, आज जब मैं एक्सपोर्टर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब से मुलाकात करती हूँ, वो लोग खुद इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और हमारे पास आइए और हमारे लोगों को मोटिवेट करिए कि वोट करें। कल ही जैसे मैं गई कि उन्होंने बोला कि युवा आज बहुत ज़्यादा, मैंने देखा कि युवा कितना ज़्यादा आज जोश में है। आज जैसे आरएसडी में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ जी कुमार मैम को, शी इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर श्योर। जो उन्होंने हर पारी कोई भी कार्य होता है समाज का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हमेशा जागरूकता के लिए सबसे आगे आती हैं। उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आरएसडी में डॉक्टर स्पेशल आज और नर्सिंग स्टाफ उनका था, क्योंकि तो डॉक्टर्स एक ऐसा जरिया है जहाँ पर हज़ारों लोग मिलते हैं। आज अगर डॉक्टर्स एक टीम बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो हर कोई हज़ारों लोगों को मिलते हुए ये बोले और प्रेरणा दे कि आओ वोट करें और अपने देश का ये दायित्व हम लोग निभाएं। ये कर्तव्य मुझे मेरे देश ने दिया है, इसे हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तहे दिल से आरएसडी की पूरी एकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो सदैव हर पल आगे आते हैं। और मैं इस सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूँगी, नेशन माई वैलेंटाइन इस बारी हैशटैग है मेरा। आओ अपने देश को मोहब्बत बनाएं और अपने देश को हम पहले वोट दें और बाद में हम जलपान करें। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रचार्य डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, अंजू सुखीजा, लेफ्टिनेंट सुखरानी, ज्योति गुप्ता, मुकुल सक्सेना, ज्योति पाठक, मोनिका भटनागर, श्रुति गोयल, सुप्रियो मैत्री, डॉक्टर अनूप राय आदि अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आरएसडी के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार ने आए सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त किया। आज कार्यक्रम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 14 फरवरी को एक राष्ट्र का महापर्व होने जा रहा है, उसको सफल बनाने के लिए मुरादाबाद के नागरिकों को जागरूक करने के लिए आज हमने दो अलग अलग कार्यक्रम, एक स्वीप के सौजन्य से, साथ ही एक एनएमओ के सौजन्य से आरएसडी के प्रांगण में किया, जिसके अंतर्गत हमारे बीच में पधारी ऋतु बहन जी और डॉक्टर लोचम ने हमारे चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को, हमारे फार्मेसी के शिक्षक शिक्षिकाओं को, हमारे नर्सिंग कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाओं को और साथ ही आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल और डिग्री कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रेरित किया, उनको शपथ दिलाई और सभी से संकल्प लिया कि वो 14 फरवरी को पूर्ण रूप से मतदान स्वयं भी करेंगे और साथ ही अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी मतदान केंद्र पर ले जाकर उनके मत का प्रयोग भी सफलतापूर्वक कराएंगे। साथ ही हम सभी ने निर्णय लिया कि एक उचित उम्मीदवार का चयन करेंगे और 14 फरवरी में जो अभी तक प्रतिशत था, पिछले 5 वर्ष में 10% बढ़ी थी जब पिछला मतदान हुआ था, इस बार ये हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसे 100% तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि सार्थकता के साथ देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो उचित सरकार हो उसको हम बना सकें और साथ ही देश की विकास को हम सुनिश्चित कर सकें।